हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आइए टेक्निकल ज्ञान सीखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब की एक नई अपडेट के बारे में। तो अगर आपके यूट्यूब चैनल पर मोनेटाइजेशन इनेबल है तो ये अपडेट आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, और अगर आपके यूट्यूब चैनल पर मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं है तो भी आप इस अपडेट के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, जो अपडेट है वो थोड़ी सी अच्छी खबर और थोड़ी सी बुरी खबर लेकर आई है, यानी कि आपके लिए थोड़ी सी अच्छी जो है अपडेट है और थोड़ी सी बुरी अपडेट है। तो क्या अपडेट है इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों जल्द ही। तो जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूं कि वो क्या अपडेट है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस अपडेट से आपको क्या नुकसान होगा और क्या फ़ायदा होगा अगर आपके YouTube चैनल पर मोनेटाइजेशन इनेबल है तो। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने पिछले एक दो महीने में देखा होगा जितनी भी नई वीडियोज़ जो है अपलोड हो रही हैं YouTube पर, और जो वीडियोज़ 10 मिनट से छोटी हैं उन पर आपने देखा होगा ज़्यादातर जो एड्स आ रहे हैं वो वीडियो के लास्ट में आ रहे हैं, यानी कि वीडियो ख़त्म होने के बाद एड शो हो रहा है। दोस्तों, पहले आपने यहाँ पर देखा होगा जितनी भी 10 मिनट से कम की वीडियोस जो हैं डलती थी दो महीने या 3 महीने पहले, उन पर जो है ऐड आता था वीडियो के स्टार्टिंग में ही। जब भी आप वीडियो पर क्लिक करते थे, जब भी आपको ऐड देखने को मिलता था उस वीडियो पर, अगर वो वीडियो 10 मिनट से कम की होती थी तो। लेकिन दोस्तों, पिछले दो या जो है एक महीने के अंदर अंदर मैंने यहाँ पर जितनी भी वीडियोस देखी हैं उसमें से ज़्यादातर वीडियोस में मुझे जो 10 मिनट से कम की हैं वीडियो के लास्ट में ऐड यहाँ पर दिखा है। दोस्तों, अब मैं जो जितनी भी वीडियोस देखता हूँ जो न्यू अपलोड हो रही हैं यूट्यूब पर, उसमें जो है स्टार्टिंग में ऐड नहीं आ रहा है ज़्यादातर वीडियोस पर। कुछ वीडियोस पर स्टार्टिंग में अभी भी ऐड आ रहा है, और जो पहले की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं उन पर भी स्टार्टिंग में ऐड आ रहा है, लेकिन जो अभी नई वीडियोस अपलोड हो रही हैं उसमें से ज़्यादातर वीडियोस पर जो है स्टार्टिंग में ऐड नहीं आ रहा है। जो ऐड आ रहा है, जो YouTube की तरफ से एक ऐड लगता था जो है वीडियो पर, जो 10 मिनट से कम की वीडियोस होती थी, वो ऐड जो है वीडियो के पूरा ख़त्म होने के बाद लास्ट में यहाँ पर दोस्तों शो हो रहा है। तो दोस्तों, ये नई अपडेट है YouTube पर जिससे दोस्तों जो है ज़्यादातर वीडियोस पर जो कि 10 मिनट से कम की वीडियोस हैं उन पर स्टार्टिंग में ऐड नहीं आ रहा है वीडियो के जो है ख़त्म होने के बाद। जितने ही मिनट की वो वीडियो है, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, वीडियो के ख़त्म होने के बाद लास्ट में यहाँ पर ऐड शो हो रहा है ज़्यादातर वीडियोस पर। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। पहले नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको नुकसान ये होगा, मान लीजिए आप जो है 1, 2 या 5 मिनट की वीडियो बनाते थे पहले, तो उस पर कोई बंदा अगर क्लिक करता था, वो आपकी वीडियो पर क्लिक करता था, तो क्लिक करते ही आपकी वीडियो पर ऐड आ जाता था। अगर वो बंदा आपकी वीडियो को 1 मिनट भी देखता था, मान लीजिए अगर आपकी वीडियो 5 मिनट की वीडियो थी लेकिन वो बंदा आपकी वीडियो को 1 मिनट भी, 40 सेकंड भी या 50 सेकंड भी देखता था, तो उसको वीडियो पर क्लिक करते ही ऐड शो हो जाता था और आपको पैसे यहाँ पर मिल जाते थे। लेकिन दोस्तों, अब क्या होगा, मान लीजिए अब आप 5 मिनट की वीडियो बनाएंगे, उस पर ऐड जो है ऑन करेंगे, तो कोई बंदा अगर उस पर जो है क्लिक कर देता है तो यहाँ पर उसको ऐड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऐड आएगा वीडियो के लास्ट में। तो अगर वो बंदा, आपने 5 मिनट की वीडियो बनाई है और वो बंदा अगर आपकी वीडियो को 2 मिनट, 3 मिनट या 1 मिनट देख के ही चला जाता है, तो उसको यहाँ पर ऐड जो है देखने को नहीं मिलेगा और आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, इससे यहाँ पर आपको ये नुकसान होगा, पहले जो है मान लीजिए अगर आप 5 मिनट की वीडियो बनाते थे तो कोई बंदा अगर उसको 1 मिनट भी देखता था तो उसको ऐड जो है स्टार्टिंग में ही शो हो जाता था और आपको उससे जो है उसके पैसे मिल जाते थे। लेकिन अब जो है 10 बंदे आपकी वीडियो पर आते हैं, यानी कि आपकी वीडियो को वॉच करते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि पूरे जो 10 बंदे हैं वो आपकी वीडियो को लास्ट तक ही देखेंगे। तो उनमें से दोस्तों, जिस बंदे ने भी आपकी वीडियो को लास्ट तक देखा होगा पूरा, उसी को यहाँ पर ऐड देखने को मिलेगा और उसी की जो है कमाई यहाँ पर आपको मिलेगी। तो कोई बंदा अगर आपकी 5 मिनट की वीडियो है तो कोई बंदा अगर उसको 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट देखता है तो उसको यहाँ पर ऐड देखने को नहीं मिलेगा और आपको इससे पैसे नहीं मिलेंगे, यानी कि कम हो जाएगी थोड़ी सी अर्निंग दोस्तों इससे, क्योंकि हर कोई बंदा तो पूरी वीडियो देखता नहीं है। तो अब यहाँ पर उसी बंदे को ऐड देखने को मिलेगा जो कि एंड तक या पूरी लास्ट तक वीडियो देखेगा। तो इससे यहाँ पर ये नुकसान है। अब दोस्तों, फायदे के बारे में बात कर लेते हैं। तो फायदा ये है दोस्तों, यहाँ पर इससे जो है आपका CTR हाई नहीं होगा। मान लीजिए दोस्तों, पहले जो है आप वीडियो अपलोड करते थे और यहाँ पर कोई बंदा अगर, मान लीजिए आपकी वीडियो 5 मिनट की है, तो कोई बंदा अगर उस पर गलती से क्लिक कर देता था या फिर उसको 30 सेकंड देख के ही चला जाता था तो उसको ऐड शो हो जाता था, लेकिन आपकी वीडियो पर बहुत टाइम नहीं आता था। मान लीजिए किसी बंदे ने आपकी वीडियो पर क्लिक कर दिया गलती से या फिर उसको देखने लगा, लेकिन उन्हें यहाँ पर आपकी वीडियो को बस 30 सेकंड या 10 सेकंड या 20 सेकंड या 40 सेकंड ही देखा और उसने जो है आपकी वीडियो को उसके बाद स्किप कर दिया, लेकिन उसको यहाँ पर अगर ऐड देखने को मिला था आपकी वीडियो पर तो उस ऐड के यहाँ पर आपको पैसे नहीं मिलते थे, और मिलते भी थे तो आपका जो CTR है वो हाई हो जाता था। मान लीजिए अगर 10 बंदे ने आपकी वीडियो पर क्लिक करा और 10 में से 3-4 बंदों ने गलती से क्लिक कर दिया, तो क्लिक करते ही वो हटा देते थे लेकिन ऐड आ जाता था वहाँ पर, तो वो जो ऐड था वो इनवैलिड क्लिक पे चला जाता था जिससे कि आपका CTR हाई हो जाता था। लेकिन अब जो है कोई बंदा जो है आपकी वीडियो पर क्लिक करेगा तो उसको स्टार्टिंग में ऐड देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऐड तो आएगा लास्ट में,
तो गलती से अगर किसी कोई बंदा क्लिक कर देगा आपकी वीडियो पर तो यहाँ पर आपका CTR हाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उसको ऐड जो है एंड में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बस यही अपडेट थी, इसके बारे में मुझे आपको बताना था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा इससे नुकसान भी है, थोड़ा सा फ़ायदा भी है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।